आज से 8 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि मैं अपनी जिंदगी में इतना महंगा लेंस ले लूंगा तो मुझे यकीन तो छोड़ो, मैं उसके मुंह पे 2 चमाटे मारता कि झूठ नहीं बोलना। लेकिन ये सपना नहीं है, हकीकत है। और 8 साल की मेहनत के बाद मैंने एक वो लेंस लिया अपने लिए जो मैं स्टार्टिंग में देखा करता था यार कि काश ये हमारे पास होता। लेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ जिसमें शायद से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले अपनी जर्नी के लिए। 2016 में मैंने अपना पहला YouTube चैनल शुरू किया जिसपे मैं अपना फेस दिखाता था। तो आप में से काफी लोगों की तरह मैं भी मोबाइल से ही वीडियो बनाता था और उस टाइम तो मोबाइल भी बहुत गंदे होते थे। क्लिप दिखाता हूँ एक छोटी सी आपको। बेसिकली गेम का रूल इतने से हैं कि हमारे पास कुछ टास्क हैं और जिसके पास जो भी टास्क आएगा उसे वो करना पड़ेगा। अब उस टाइम पे भी देखो बोलने का ना एक्सपीरियंस था, ना कैमरा देखने का, ना कुछ भी कुछ हमें पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन बस कर रहे थे क्योंकि मजा आता था। लेकिन जब धीरे धीरे इस फील्ड में घुसे तो पता चलने लगा कि हाँ भैया शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं और एक्चुअल में प्रोफेशन भी होता है कुछ। हमें तो बस पता था कि वीडियो बनानी है। तो उसी प्रोफेशन को पैशन बनाते बनाते हमने पैसे कमाना भी शुरू किया थोड़े बहुत, और वहां से हमने एक छोटा सा कैमरा लिया, कैनन 200D। 42,000 के आसपास मैंने कैमरा लिया था और उसके साथ में 7,000 का 50mm 1.8 लेंस। और उस सेटअप के ऊपर मैंने अपनी पूरी जर्नी शुरू करी, यूट्यूब की नहीं अपने फिल्म मेकिंग करियर की भी। उसी सेटअप के साथ मैंने बहुत सारे एड्स बनाए, मैंने काफी रेस्टोरेंट्स के लिए, काफी स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए वीडियो शूट करी। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब भी करा और अपना जितना भी सेटअप मैं कर सकता था, जितना मैं सीख सकता था, सब कुछ मैंने किया। उससे छोटे मोटे अलग अलग लेंस लिए, माइक लिया, ट्राइपॉड लिया, सब कुछ सिर्फ उस 42,000 रुपए के सेटअप की वजह से। बीच में ऐसे भी फेज रहे हैं कि पूरा एक एक साल मैंने एक जोड़ी नए कपड़े नहीं लिए, जूते नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ कैमरा के लिए कुछ चीजें हमें जोड़नी होती थी। एक 800 रुपए का माइक लेना तो 3 महीने तक हम कोई भी नई चीज नहीं ले सकते, तो वो फेज भी था मेरी जिंदगी में। और ये जो लेंस लिया है, ये लेंस लेना इतना महंगा नहीं था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। थोड़े पैसे इधर से निकाले, थोड़े उधर से निकाले में ये आ सकता था, लेकिन मैं चाहता था ये लेंस जो आए मेरा सिर्फ और सिर्फ इस YouTube की जर्नी की वजह से आए। YouTube के पैसों से हम जो बचाएं उस पे से हम लेंस ले, तो इसलिए मुझे इस पे इतना ज्यादा टाइम लगा। और ये लेंस है 35mm 1.8। तो ये लेंस हमने क्यों लिया सोनी का, इसके पीछे भी एक कहानी है। 35mm बेसिकली एक फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर वो फील्ड ऑफ व्यू देती है हमें जो हम रियल लाइफ में अपनी आंखों से देखते हैं। ये ना ज्यादा जूम है, ना ज्यादा वाइड है, ये एकदम परफेक्ट वो लेंस आता है हमारा जो हम अपनी आंखों से रियल लाइफ में जितना वाइड हम देखते हैं। और ये लेंस है 52,000 रुपए का। अब 52,000 आपके लिए हो सकता है ज्यादा भी हो, या हो सकता है आपके लिए चिल्लर हो, भैया इतना तो सस्ता लेंस है, वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारे लिए ये ना बहुत ज्यादा था ना बहुत कम, लेकिन काफी महंगा अमाउंट तो है हमारे लिए एक लेंस के ऊपर लगाना। और सच बताऊं मुझे इस लेंस की ना कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस लेंस के बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने अंदर के वो क्रिएटिव इंसान के लिए रखा कि यार बचपन में हमने, मतलब 8 साल पहले हमने कभी सोचा था कि यार ये लेंस लेना है तो क्यों नहीं ले रहे हम, किस वजह से। हाँ काम आएगा ऑफ कोर्स, हमारी क्वालिटी भी अपग्रेड होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन ये जो चीज़ थी हमारी, ये चीज़ है यार, एक जब शुरू की थी जर्नी तब हमने एक फैसला किया था कि यार ये लेंस हमने एक दिन लेना है। इसके अलावा एक और लेंस है, वो भी हम लेंगे आगे चल के, 70-200 लेंस हम लेंगे ज़रूर किसी ना किसी दिन। लेकिन 35mm का स्टार्टिंग से जब सपना था तो लेना तो था, तो ले लिया फिर, और YouTube मनी से। अब देखो अगर लेंस की बात करें क्वालिटी वाइज, तो 52,000 रुपये का लेंस है 1.8mm अपर्चर के साथ, और इस समय हम यूज़ कर रहे हैं 2.8 अपर्चर जो हमारा 2870 लेंस है सिग्मा का। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं ये, लेकिन ये जो लेंस है ये हमारा 70,000 के आसपास आया था। इसमें हम जूम कर सकते हैं, उसमें जूम भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका फ़ायदा पता क्या, उसका फ़ायदा है हमारी क्वालिटी। इससे हमारी थोड़ी सी मच बेटर क्वालिटी हमें मिलेगी। जो पीछे आपको लोगो नज़र आ रहा है, पीछे डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा होगा वो, और हमारी जो शैलो डेप्थ फील्ड है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं हमें एक 2.8 लेंस के साथ, और अब हम स्विच करेंगे 1.8 लेंस के ऊपर, और अब ये आप सेम सेटिंग के साथ देख रहे हैं मुझे 1.8 पे, और ये थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा हो गया है, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को हम कम करते हैं। अब 1.8 पे आप मुझे देख रहे हैं 35mm नए वाले लेंस के साथ, क्वालिटी में कितना ज़्यादा चेंजेस है वो मुझे पता है। अगर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है तो ये हमारा पीछे का ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है। ये डेस्कटॉप आप पीछे का देख सकते हैं। अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन में चलाऊं
तो ये है 1.8 और जो आप देख रहे हैं ये है 2.8। अब ये इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि भैया जिंदगी पलट जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, क्वालिटी अलग से चांद पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ है हमारे खुद के क्रिएटिव पैशन के लिए कि हम चाहते थे हमारे पास 1.8 अपर्चर का लेंस हो जिसपे हम और बेहतर काम खुद से कर सके। ये किसी भी तरीके से इस लेंस का रिव्यू नहीं है। हाँ, अगर आप रिव्यू चाहते हैं और किन लोगों को ये लेंस लेना चाहिए वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए खास थी जो अपनी जर्नी में अटके हुए हैं, जिनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं ये सोच के कि यार हमारे फ्यूचर का हमें नहीं पता। तो देखो, अगर आप हार मान जाओगे तो फिर तो आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके रखोगे तो आज नहीं तो कल, मुझे 8 साल लगे हैं, हो सकता है आपको 2 साल के अंदर हो जाए, हो सकता है 3 साल, हो सकता है अगले ही हफ्ते आपकी वीडियो कोई वायरल हो जाए। लगे रहो, मेहनत करते रहो और एक दिन आप और हम दोनों मिलकर साथ में वीडियो बनाएंगे। कैरी मिनाटी फोंटी बजाएगा इसकी वहीं पे।